नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस वीडियो में। ऑलमोस्ट जनवरी का एंड हो चुका है और अब आप धूप ये देख सकते हैं, पेड़ों के पत्तों से बीच से छन के धूप आ रही है, वो भी काफ़ी तेज़ लग रही है। यस, इट्स अ चेंज ऑफ अ सीज़न। और अब गर्मियों की तैयारी रखी जाए, थोड़ा थोड़ा तेज़ धीमा होते होते अल्टीमेटली गर्मी ज़ोर पे आ जाएगी मेरे ख्याल से फरवरी एंड होते होते। खैर, आज मैं आपको अपने बागीचे का एक टूर करवाने वाला हूँ। इससे पहले भी एक बार करवा चुका हूँ, लेकिन वो लगभग 1.5-2 साल के आसपास हो रहा है, तो सोचा कि एक और टूर करवा दिया जाए, क्योंकि जस्ट हमारे यहाँ अभी रिसेंटली साफ़ सफाई हुई है, तो एटलीस्ट समझ में आएगा अच्छे से क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग पिछली बार भी बोले थे कि दोबारा कब करवाएंगे, और उसके बाद न सिर्फ करवाएंगे बल्कि दे वॉन्ट डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर्स मेरे इस बागीचे से। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। अभी जस्ट मेरे सामने एक अमरूद गिरा, उससे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके, सो ये एक अमरूद गिरा है जस्ट अभी, ये देखिए ऊपर अमरूद का पेड़ है, और भी दिख जाएंगे आपको, छोटे छोटे हैं अभी, और एवरीडे तीन चार पाँच हमारे यहाँ गिरते हैं अमरूद। और अगर मैं अमरूद के पेड़ की बात करूँ, अमरूद हमारे यहाँ बीही भी बोलते हैं, डेफिनेटली सब कोई बीही भी जानते होंगे। गुजरात साइड इसको जामफल बोला जाता है और इंग्लिश में गुआवा बोला जाता है। ये देखिए एक्चुअली ये अमरूद के पेड़ हैं, और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 25-30 साल हो गए लगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये दो लगे हुए हैं, एक वो लगा हुआ है, वो थोड़ा सा बैंड हो रहा था, तो उसको उस डंडे के सहारे से इसको सहारा दिया गया है, और ये वापस ऊपर चला जाएगा। और एक अमरूद का पेड़ ये लगा है। टोटल हमारे यहाँ अमरूद के पेड़ 4 हैं, और अच्छे खासे हैं, अच्छे बड़े हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ओपन स्पेस है, यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। ये देखिए ये कैक्टस है, कैक्टस का पेड़ है, ये अपने अंदर ही पानी समेटे होता है, तो इसको एज सच ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये जहाँ तक मुझे मालूम है इसको घी कुमार बोलते हैं, ये एलोवेरा या घी कुमार जो भी बोलने, शायद वही है, देखें। हाँ जी, वही है, एलोवेरा या घी कुमार। ओके, अब हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए ये जो पेड़ दिख रहा है, ये है नींबू का पेड़। नींबू एज सच अभी तो फिलहाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन 1-1.5 महीना पहले तक हम लोग एवरीडे 8 से 10 नींबू गिरते थे, और बहुत सारे हम लोगों ने बांटे हैं कॉलोनी में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में। ये देखिए ये जो ये बीही रखी है अमरूद, ये बेसिकली जो पक्षी काट जाते हैं वो खाने लायक नहीं रहते, वो वाले हैं। आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आज ही शायद कुछ साफ सफाई भी हुई है, देख के जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सांप रहता है, ना वो हम लोग को कुछ करता है ना हम लोग उसको कुछ करते हैं, लेकिन वो रहता है। ये देखिए ये सब सामान रखा हुआ है, ये कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी है, सॉरी, ये कुल्हाड़ी है, और इसको गैंती बोलते हैं, ये काटने के काम आती है, खोदने के काम आती है, तो उससे काम चलता रहता है। नेक्स्ट जो है वो है ये पेड़ है, अब इनका मौसम आ गया है, ये है आम के पेड़। आम के पेड़ हमारे यहाँ दो लगे हुए हैं, ये देखिए ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, और इसमें बहुत ज़बरदस्त आम आते हैं, बहुत ज़बरदस्त। अभी तो बौर आने स्टार्ट हो गए हैं, इसके बाद फिर वो आम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दो पेड़ आम के हैं। अच्छा, ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये इसमें जैसे चना भाजी लगी हुई है, फिर इसमें अदरक भी रहता है, इसमें आलू भी लगा हुआ है, नीचे ये कुछ ना कुछ है, यहाँ पे वहाँ पे भी कुछ कुछ लगा हुआ है। माली आता है, और घर वाले मेरे फादर भी लगे हुए होते हैं।
तो ऐसा चलता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो एरिया दिख रहा है, ये इसको अपन अभी खोदेंगे, अभी तो नहीं खोद रहा मैं, लेकिन ये हो गया ऊपर थोड़ा सा गिट्टी छोटा छोटा सा दिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे मार्किंग जैसा किए हुए हैं, तो मार्किंग इसलिए किए हैं कि यहाँ पे हम लोग गड्ढा खोदते हैं और हमारे घर का जितना भी सब्जी के छिलके और काटने के बाद जो सब्जियां बचती हैं, पत्ते बचते हैं, वो सारा हम यहाँ पे ला के डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं। फायदा ये होता है कि हमको जबरदस्त खाद मिल जाती है, नेचुरल खाद मिल जाती है, वो हम वापस यहीं पे डाल देते हैं। ये देखिए, ये एक पेड़ है, इस पेड़ का नाम तो नहीं मालूम, मैं पास से इसकी पत्ती दिखा देता हूँ तो शायद आप लोग को पता चल जाएगा। ये देखिए, ये पत्ती है, शायद ये बेल पत्र है, ऐसा कुछ है। नहीं, बेल पत्र तो ये है, बेल का पेड़ ये रहा, ये भी काफ़ी बड़ा बेल का पेड़ है और मुझे शायद एक बेल भी दिख रही है। मैं आप ये देखिए, ये शायद एक बेल भी लगी हुई है। हाँ जी, बेल ही है। तो ये बड़ी ठंडी होती है खाते में, बहुत गर्मियों के समय इसका बेल का शरबत बनता है और वो पिया जाता है, पेट के लिए बड़ा अच्छा रहता है। ये देखिए, ये एक्चुअली बेल पत्र का पेड़ है और इसकी तीन पत्तियां होती हैं, तीन तीन पत्तियां होती, कांटे भी होते हैं। ये देखिए, कांटे भी हैं और ये तीन पत्तियों का इसका सेक्शन रहता है। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने इसकी चार पत्तियां भी देखी, मेरी दुकान के पास लगा हुआ है उसका। आइए आगे चलते हैं। आगे ये जो पेड़ है, ये है पेड़ मीठी नीम का पेड़ है। मीठी नीम यूजली फ्राई करते हैं कुछ चीज़ें अपन, तो उसमें लगती हैं मीठी नीम, बहुत सही चीज़ होती है और हमारे यहाँ बहुत खपत है, और जितनी भी खपत है वो सारी घर की है, तो हम लोग घर की बहुत सारी सब्जी खाते हैं। ये मेरे ख्याल से जामुन का पेड़ है और ये जामुन का पेड़ हम लोग को मिला था, उसमें क्या बोलते हैं, जब प्लांट कैंपेन लगा था उसमें मिला था और मैंने ला के इधर लगा दिया है। अभी ये बढ़िया ग्रो कर गया है, अच्छा खासा ग्रो कर गया है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। आगे चलते हैं, अब इधर से जाऊंगा। ये हमारे यहाँ कुछ कुछ पूजा पाठ भी होता रहता है इन सब का। ये केला का पेड़ है, ये केला मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार केला में केला आ जाएंगे, केले के पेड़ में केले आ जाएंगे। ओके, जो मैं बात कर रहा था घी कुमार भाई, यहाँ पे बड़ा संभल के रहना पड़ता है, यहाँ पे अब इतना घना है तो सांप भाई साहब हो सकता है हूँ। ये देखिए, घी कुमार असली ये है, बड़ा डर लगता है इस पेड़ को देखने में, देख के। ये देखिए, ये है घी कुमार, असली एलोवेरा। इतने सारे लगे हैं और ये यूजली आते रहते हैं, फ्रेश एलोवेरा तोड़ के लगाते हैं। ये शायद टच मी नॉट है क्या? नहीं है, टच मी नॉट नहीं है, छुई मुई का पेड़ बोलते हैं वो नहीं है। ओके अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो इधर उधर डोलने लगते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बीही के पेड़ का सपोर्ट दिखाया, उसी तरीके से ये देखिए, ये भी सपोर्ट लगा हुआ है, ये बेल पत्र के पेड़ को लगा हुआ है सपोर्ट। तो ऐसे काम चलता है। अगेन यहाँ पे ये कुछ फूल पत्तियाँ हैं, फैल 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 गया था तो इसको समेटा गया है। और ये काहे का पेड़ है भाई, ये तो कुछ फल है यार। बोई, इसको खाते हैं ना? अच्छा, इसकी पत्ती की भाजी बनती है, और ये जो फल आए हैं काले काले। ओके, ऐसा बता रही हैं हमारी श्रीमती जी, इसकी इसकी पत्ती की भाजी बनती है और ये फल नहीं खाए जाते हैं। ओके, और वो काहे का है?
मीठी नीम, ये वाला भी मीठी नीम है, ये हरी मेथी है, ये हरी मेथी हो गई। और ये पक के फिर वो जो पीली पीली हो जाती है वही है क्या? ओके ओके, ये देखिए दोस्तों, ये धनिया हमारे यहाँ सब ताज़ा ताज़ा, यहीं से तोड़ो और खाओ पियो वाली बात रहती है। अब बेटी कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। अरे उसको खाना नहीं भाई, लिपस्टिक लगाऊंगी फिर। लिपस्टिक है। हाँ, अच्छा लिपस्टिक लगाने वाला है। हाँ, अच्छा इससे लिपस्टिक होता है क्या? कलर ऐसा है। ओके, चना है ना, चना है ना। ये देखिए दोस्तों, इसको बोर बोलते, बूटे बूट बोलते हैं ना, बूट बूट बोलते हैं, और कई जगह चना की भाजी भी बोलते हैं। वो है, इतनी सारी चीजें हैं। ये तो बैक साइड है, और मेरे घर के आगे साइड कुछ फूल पत्तियां भी लगी हुई हैं बहुत सारी। ये क्या था? पलाश के फूल सब है भाई हमारे यहाँ। मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है, ये लगा है शायद। अच्छा वो राई है। ओके, उधर भी। और ये वाला कौन सा है, ये जो बड़ा सा है? वो मुनगा, ये देखिए, ये बड़ा सा जो पेड़ है वो है मुनगे का पेड़। बोलेंगे तो ड्रम स्टिक बोलते हैं जिसको, मुनगा वो है। तो दोस्तों ये है हमारा छोटा सा बगिया। हाँ लिपस्टिक लगा ली मेरी बेटी, वो फल तोड़ के लिपस्टिक लगा ली। हमारे घर के बगल में भी काफी सारे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, उनका कुछ कुछ आ जाता है। ये क्या है? राई, वो जो ब्लैक वाली आती है। ये दोस्तों ये राई का पेड़ है, इसको तोड़ के दिखाएंगे। हाँ अंदर से निकालिए ना बीज, छोटी वाली राई है, आपसे अरे बड़ी वाह यार, ये छोटी वाली राई तो भी है। हमारे यहाँ इतने सारे पेड़ हैं। और ये बोगनविलिया है, जो बड़े बड़े पेड़ आते हैं, ये दिख रहा होगा। ये पपीता है, ये भी मौसम में बड़ा होके नीचे आता है। ये भी इतना बड़ा सा पूरा हमारा गार्डन है इस टाइम। बिल्कुल अब ठंडी में हम लोग का ज़्यादातर टाइम, गर्मियों में, सारी गर्मियों में ज़्यादातर टाइम इधर बीतेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं इतनी छांव है तो यहाँ पे ठंडा रहता है, तो हम लोग अक्सर यहीं पे मिलेंगे अभी गर्मियों में। बाकी ठंडियों में तो यहाँ 5 बजे के बाद आना भी नहीं होता था, बिकॉज़ वो सांप कुमार हैं हमारे, वो रहते थे, प्लस ठंडा बहुत हो जाता था। अब यही ठंडक गर्मियों में काम आएगी।